सबसे पहले आप सबको मेरे और मेरे शोहर की तरफ से ईद मुबारक। सुबह के 6:45 अभी टेक्निकली ईद मुबारक उस हुई भी नहीं है क्योंकि अभी ईद की नमाज भी नहीं हुई है। हम लोगों ने आज प्लान किया हुआ है कि हम दोनों जाएंगे ईद की नमाज़ पढ़ने फैसल मस्जिद। 6:00 मस्जिद में नमाज का टाइम है, हम लोग पहुँच तो जाएंगे, पार्किंग मिल जाए बस। तो बस अभी तो एनर्जी भी डाउन है, सबसे पहले निकलते हैं और फिर जो है देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ मैंने ब्लॉग को शुरू कर, तो लेट्स गो। ओके जी, हम लोग निकल आए हैं और फॉर सम रीज़न आई डोंट नो, मेरी जो लुक है ना ईद की लुक, उसमें समथिंग इज मिसिंग, आई नीड टू फिगर इट आउट। अभी तो मेरी आंखों से पानी निकल रहा है बिकॉज हम लोग सोते सोते आई थिंक 12:30 हो गए थे और दुकान में जगाते, वो 4:30 जगा देगा और उसने एक्सैक्ट 4:30 ना मुझे उठा दिया। 12:30 हो गया था, मतलब और टाइम कम रह गया था। ओ यस यू राइट, काफी टाइम हो गया था, मैं राइट हूं। खैर ये देखिए जी, आज हमने ट्विनिंग की हुई है, पता है ये आज इंटेंशनल ट्विनिंग है, इस दफा हमने इंटेंशनली नहीं की, कलर चेंज कर लूं लेकिन एतिकान का इस दफा जोड़ा जो है पहले डिसाइड हो चुका था, एतिकान ने ब्लू कलर का जोड़ा जो है वो कर दिया था। और जब हम गए उधर मेरे कपड़े, तुमने कब पहले अपना कर लेते ताकि मैचिंग का कोई सीन ही ना रहे। लुक नाइस एतिकान, प्यारे लग रहे हो, वेलकम एतिकान। ईद हम अभी एक दूसरे को नहीं मिलेंगे, हम पहले ईद की नमाज पढ़ने जा रहे हैं। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, तुम्हें पता है मैं ईद की नमाज पढ़ने जा रही हूँ, मैंने कभी जिंदगी में ईद की नमाज पढ़ी नहीं है। तुम्हारे लिए उधर कोई वो ओपनिंग सेरेमनी है, रेड कार्पेट बिछाऊं, करवा दो, आमना आ रही है। आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड इस दुपट्टे को कैसे कैरी करना है, आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड मेरे मेकअप में कोई चीज की कमी है लेकिन समझ नहीं आ रही क्या है। खैर अभी इतना टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि मैं अभी फिगर आउट करूँ, बस अभी हम निकलते हैं। 5:40 हो रहे हैं और बाहर व्यू चेक करें, कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ, सबसे लेकिन बाहर भी देखो, बाहर ही देख रहे हैं। सबसे मजे की बात यहाँ अभी ये है कि बाहर रोड पे कोई है ही नहीं, बहुत कम लोग हैं, तो मजा आ रहा है बाहर ड्राइव करने का। चलिए जी अब मस्जिद पहुँचते हैं और मस्जिद पहुँच के आपसे मिलते हैं। लेकिन इस दफा यहाँ आप जा सकते हैं, रश उतना नहीं है। वाह क्या बात बताइए, हमें तो पता ही नहीं था। अब हम लोग फैसल मस्जिद पहुंच गए हैं और वाकई यहाँ पे रश जो है ना वो इतना ज्यादा नहीं लग रहा है, हमारे लिए फायदे वाली चीज है। लेकिन यहाँ पुलिस बहुत है, मुझे लगता है मेन पे खड़ी भी नहीं होने देंगे गाड़ी। लेट्स सी, यार ये तो गन्स लेके खड़े हुए हैं तिकान, गन्स लेके खड़े हैं कसम से, बड़ी बड़ी गन्स इज कूड़ा, गन गन्स। अबे ये टीवी वाले क्यों आए हुए हैं, ये देखिए जी टीवी वाले भी आए हुए हैं, ट्राइंग टू फाइंड द परफेक्ट पार्किंग। वैसे यहाँ पे गेट्स तो हर तरफ है तो हम एंटर तो कहीं से भी हो जाएंगे। मैं इतकान को ये कह रही थी, मैंने हील्स पहनी हुई है तो मैं इतना ज्यादा चल नहीं सकती, बट आई थिंक ये वाली पार्किंग है तो हम इधर आसपास कहीं जो है ना पार्क कर लेते हैं। आई जस्ट आस्क्ड इतकान के कैमरास ऑन नहीं है, एक ठीक लग रहा हूँ, एक्शन 1 2। अब मुझे बता दो कि क्या सीन होता है यार। सीन ये होता है कि अभी ये बयान हो रहा है ना, इसके साथ ही अभी अजान होगी और डायरेक्टली ईद की नमाज हो जाएगी, नमाज के बाद खुतबा होगा। हाँ, नमाज के बाद। हाँ, अभी क्या हो रहा है, अभी ये वैसे बयान चल रहे हैं, शुगर लगा है मौलवी, और उसके बाद और खुतबे के बाद दुआ होगी और फिर उसके बाद ईद आ गई, मेरा यार नहीं आया। तुम्हारा यार इधर ही है नहीं, आमना तुम नहीं है, आपका एक कोई सोलमेट होता है, मुझे वो मैं हूँ। नहीं नहीं, सोलमेट एक परफेक्ट सोलमेट होता है, दैट्स मी। तुम परफेक्ट, मेरे ख्याल से 60-70% ठीक है, ओके पासिंग मार्क्स हैं, ठीक है। घर तुमने मेरे साथ ही जाना? नहीं, मैंने ग्रैंडे के साथ जाना है। तो चलते हैं, 6:00 का टाइम है और अभी यार दुकान में वॉच घर भूल है। ओहो अब क्या होगा, मौलवी अभी आई डोंट नो टाइम क्या हो रहा है, कौन पाएगा अब क्या करें यार। बाहर अभी भी इतना गंदा मौसम नहीं है, जब घर से निकले थे वहाँ पे बहुत गर्मी थी लेकिन वहाँ पे ठीक है। चले हम चलते हैं ऊपर, जाते हैं फिर वॉक करते हैं। यार ये अपने लिए जानमाज लेकर आया है और इसने मुझे नहीं कहा कि तुम भी ले लो जानमाज, ये क्या हुआ। चले जी अब चलते हैं। टाइम आई थिंक कम ही रह गया, 6:05 रह गए, बस जल्दी से ऊपर पहुंचना। ओके जी जूते हाथ में पकड़ लिए लेकिन बाहर नहीं छोड़ सकते, आई थिंक अभी आवाज़ इतनी नहीं आएगी, जूते मैंने पकड़ लिए और ये ओके जी जूते हमने यहाँ पर रख दिए, यहाँ पर लोगों ने रखे हुए थे और हमसे उठाए नहीं जा रहे थे ज़्यादा देर, तो हमने कहा यहाँ पर रख देते। अब वो सामने जो लाइन है वो मर्दों की लाइन है, तुम जा रहे हो ठीक है। ये क्या हो गया, ये क्या गिरा है, ये वो परफ्यूम, आए हाय अतिकान अब वहाँ जा रहे हैं एंड आई विल बी स्टेइंग ओवर हियर। अतिकान भाग के जाओ, लोग भाग के जा रहे हैं, आई थिंक वो फिर जगह नहीं मिलेगी। फ़ोन पास है ना,
मुझे फिर कॉल कर देना। साहब है और मैं ही ईद की नमाज इरादा पर नहीं करती, नमाज दोहराने के लिए नहीं, तुम ले जाओ मेरा नाम वो है तो ये बाहर डाल लेना ना, तकदीरें फूले बाहर डाल। ओके जी, आई एम नॉट श्योर ईद की नमाज पे उठते हुए क्या सीन होता है, सम ऑफ द लेडीज आर तो उनसे गुजारिश है कि मस्जिद के हॉल में अभी जगह खाली है, आई विल गो व्हेयरएवर द लेडीज आर गोइंग। ईद की नमाज हो गई है और मैंने भी पढ़ ली है और ये एहतिकान भी अभी आ रहा है, एंड आई हैव प्रेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर एन ईद नमाज इन माई होल लाइफ। बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे तुम नजर आ गए, नमाज हो गई है, अब हम दोनों मस्जिद को बैकग्राउंड में लेने के लिए दूर जा रहे हैं सो दैट वहाँ पे हम पिक्चर ले सकें, जो मेरी थंबनेल भी होने वाली है आज की ऑब्वियसली। तो लेट्स गो। इस फाउंटेन को चलता हुआ मैंने आई थिंक बचपन में देखा था और आज देख रही हूँ, तो मैंने इस फाउंटेन को कभी भी चलते हुए नहीं देखा। मजे की चीज़ ये है कि सामने धूप है और बैकग्राउंड में मस्जिद है तो पिक्चर्स अच्छी आने वाली। एहतिकान मेरी पिक्चर्स लेगा फिर हम इकट्ठे लेंगे। बड़ी की नमाज पढ़ने दौरान छोटी पे ब्याह, छोटी पे बेसिकली ना किसी का कोई काम नहीं होता तो एवरीबॉडी कम्स यहाँ पे, वो कुर्बानी वाला सीन होता है ना, बड़ी ईद पे लोग कम है। दिस इज अकॉर्डिंग टू एहतिकान की अभी आबादी कम है, बड़ी छोटी ईद पे वगैरह के पूरा भरा हुआ होता है। खैर अभी हमारी पिक्चर्स और वीडियोस इधर इतनी अच्छी नहीं बन रही बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल, तो वो बैकग्राउंड में ना सिर्फ मस्जिद आ नहीं रही। आते हैं बाहर से कोई एंगल देखते हैं और वहाँ पे फिर पिक्चर्स लेते हैं। आज हमने ये डिसाइड किया कि हम सुबह सुबह ही फोटोशूट भी कर लेंगे बिकॉज फिर कुर्बानी के बाद वैसे ही काम शाम होता है और मेकअप शेकअप भी उतर जाता है, अभी बस हम पिक्चर्स लेंगे फिर नाश्ता करेंगे। फाइंडिंग आवर चप्पल 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 मिल गई, मुझे आने से लगा तो चप्पल नहीं मिली जी। यहाँ बैकग्राउंड में मस्जिद आ रही है, यहाँ पर रश भी नहीं है, यहाँ पर पिक्चर लेने का ट्राई करते हैं। वहाँ पर अब हम सेटअप कर रहे हैं, ये हमारे पीछे मस्जिद है, लेट्स होप यहाँ पे पिक्चर आ जाए, एक कपल पिक्चर वो आ जाएगी फॉर द इंस्टाग्राम एज वेल एज यूट्यूब, लेट्स सी इफ वी कैन मेक इट वर्क यहाँ पे। सो यहाँ पर भी पिक्चर लेना वाज अनसक्सेसफुल, नहीं आ रही पिक्चर, एक तो लोग इतने ज़्यादा हैं, मस्जिद नहीं आ रही, बैकग्राउंड में लोग आ ही जा रहे हैं। वी आर गोइंग, अभी देखते हैं कि मस्जिद की कोई और साइड जहाँ पर ड्राइव करके देखते हैं कोई साइड हो जहाँ पर हम पिक्चर्स ले सकें, जाके लेते हैं। ईद की नमाज हो गई तो एहतिकान जाना, अब गाड़ी को भी अब इतकान ईद मिल लगा। ये चेक करें यार, मैं मजाक कर रही थी, वो एक्चुअल में मिल रहा है। क्या चल रहा है हमारी ज़िंदगी में। खैर लेट्स गो, अभी पिक्चर्स के कुछ करते हैं। ओके जी चले। बाय द वे आई एम सो ग्लैड मैंने ये हील्स चूज़ किए हैं, दे आर वेरी कम्फर्टेबल, वरना मुझे हील्स पहनने की आदत नहीं है और फिर मैं जब पहनती हूँ तो मेरे पैर बहुत दुखते हैं, वैसे अभी इतना टाइम भी नहीं हुआ पहने में, अभी थ्रू आउट द डे पता चलेगा, बट सो ग्लैड आई चूज़ द राइट काइंड ऑफ हील्स। यार हमने इतनी कोशिश किया लेकिन वहाँ एक तो वो गाड़ियों को चलने नहीं दे रहे, खड़ा नहीं होने दे रहे, हमें कोई लोकेशन मिल रही थी उसको हाँ ये हमें कोई लोकेशन मिल रही थी वहाँ जाने की, ऐसे स्पॉट पे जहाँ पिक्चर ले सकें, तो हमने भूख भी लगी हुई थी, हमने कहा पहले नाश्ता करते हैं और नाश्ता कर लेंगे तो तब तक फैसल मस्जिद से ईद की नमाज वाला जो रश है ना वो खत्म हो जाएगा और बाकी जो ईद के लिए वैसे लोग आते हैं वो 8-9 तक या उसके बाद ही आएंगे, जो पुलिस वाली जो चीज है ना वो थोड़ी कम हो जाएगी और वो फिर हमें जाने देंगे और हम फिर पिक्चर भी ले सकेंगे। तो हम बाहर निकले अभी, हम थोड़ा भूख लगी है तो नाश्ता करते हैं कहीं से फिर जाते हैं दोबारा से पिक्चर लेने जी। हम लोग F10 आए हैं, हम बहुत सारी जगहों पर गए थे और हमें नाश्ता कहीं पे भी मिल नहीं रहा था, लेकिन F10 में जो क्वेटा है ना ये क्वेटा T20 यहाँ पे हलवा पूरी बन रही है, हलवा पूरी देख के मेरा फिर से आज दिल करे कि मैं वही खाऊं, तो हम बस यहाँ पे रुक गए हैं तक नाश्ता आता है, एहतिकान ने कहा कि मैं उसकी पिक्चर्स ले लूँ तो अब हम एहतिकान की पिक्चर्स लेते हैं। वी हैव आवर नाश्ता हियर, दिस इज आवर नाश्ते की थाली, हलवा पूरी, चने एंड आलू की भुजिया, तो मैं खाती हूँ और फिर हम जाते हैं पिक्चर्स वगैरह लेते हैं और फिर घर चलते हैं। नाश्ता डन, नाश्ता बड़े मज़े का था, मज़े के चने थे, मज़े की हलवा पूरी थी। हम घर की तरफ जा रहे हैं बिकॉज हमें उठे हुए 4 घंटे हो गए, हम 4:30 बजे उठे थे, 8:30 होने वाले हैं अब जो है ना, रात को भी नींद नहीं पूरी हुई। हमारा यही प्लान है क्योंकि हमारी जो कुर्बानी का टाइम है, हमारी बारी जो है वो 12:30 के अराउंड है, बस अभी टाइम है 3-4 घंटे का, घर की तरफ जा रहे हैं लेकिन रास्ते में कहीं ना कहीं रुक के पिक्चर्स ले लेते हैं, वीडियो तो अभी शायद नहीं बन पाएगी, पिक्चर्स बनाते हैं और फिर घर जाते हैं और सोते हैं। हमारा यही प्लान है कि ये सारे काम करके सो जाए फिर कुर्बानी वाले टाइम में दोबारा हम उठ जाएं। चेंज ऑफ प्लान्स, हमने दोबारा यू टर्न ले लिया है
आंखें नींद से बंद हो रही हैं दोनों की। मेरी तो नहीं हो रही, मेरे हिस्से करके बोल रही है झूठ। अच्छा मेरी बंद हो रही है, मेरी तो नहीं। मैं दूसरा इतकान अभी कह रहा है कि अभी 8 बजे और 8 बजे जो धूप है ना उसमें पिक्चर अच्छी नहीं आ रही, मतलब सुबह वाली धूप में। तो हम शाम को जब दोबारा तैयार होकर गोश्त बांटने के लिए निकलेंगे तो वी आर गोइंग टू हैव अ पिक्चर एंड वीडियो समवेयर। तो ठीक है फिर यही कर लेते हैं, अभी बस घर ही चलते हैं। घर जाते जाते हमने कहा हम अपना बैल भी देख जाए, हमारे घर के पीछे वाली गली में है हमारा जो बैल अभी खड़ा हुआ है, एंड आपको भी दिखाते हैं। लेट मी शो यू, दिस इज द वन, ये वाला वाइट और ब्राउन वाला जो ब्लैक वाले उनके बीच में खड़ा हुआ है, ये वाला। ये हमारा इतकान लाइक्स टू कॉल बैल आवर बैलू ब्लू, ये हमारा बैल है। हमारी कुर्बानी तकरीबन जो है वो अभी 11-12 तक होगी, हमने कहा एक दफ़ा देखते हुए जाए। मैंने अभी देखा है इसकी पिक्चर, कल इतकान ने मुझे दिखाई थी लेकिन अभी मैंने कहा मैं वो फिजिकली भी एक दफ़ा देख के आऊँ। तो अब बस हम घर चलते हैं। चलो जी, दोपहर के 2:30 बजने वाले हैं, हमारा जो बैल है वो थोड़ा सा लेट हो गया जब होने में। हम लोग घर आ गए थे, हमने चेंज चेंज कर लिया था, हम सो गए थोड़ी देर और अब हम लोग उठे हैं और बस अब थोड़ी तैयारी शारी करनी है। बस 3 बजे तक उनसे हमने पूछा है तो वो कह रहे 3 बजे तक हो जाएगा। पोर्च में सारा वो गाड़ी शाड़ी निकाल के उधर सेटअप वगैरह करते हैं ताकि गोश्त जल्दी से हम संभालें और तैयार होकर बांटने के लिए जाएं। फिर हम लोग शॉपर लेना भूल गए थे, हमने बड़े साइज के शॉपर ले लिए थे लेकिन छोटे साइज वाले नहीं लिए थे, तो हम बस शॉपर लेने जा रहे हैं फिर वापस आते हैं घर। तो लेट्स गो। ओके जी, हम लोग बाहर निकल आए, रास्ते में लीना मिल गई। लीना कहती है मैंने भी साथ जाना है शॉपर लेने, तो हम अब लीना को भी साथ लेकर आए। गर्मी मिली है रास्ते में, काम मिली, ऊपर से नीचे उतरे ना तो रास्ता ही था ना। हमारे घर में अभी तक कोई तैयार ही नहीं हुआ है, मैं और इतकान सुबह तैयार हुए थे फिर हमने चेंज कर लिया, अब हम तैयार दोबारा होंगे जब गोश्त का काम खत्म हो जाएगा। लीनू भी तैयार हुई थी लेकिन लीनू ने भी अब घर वाले कपड़े पहन लिए। लीनू आप क्यों नहीं तैयार हुई है? किसके पास? क्योंकि अलीना की बेस्ट फ्रेंड का नाम जीलिया है तो जीलिया के पास भी ऐसे कपड़े हैं। कहाँ जाने लिया? सिविक खरीदने, शॉपर नहीं, हम बैलू लेने जा रहे हैं। बैलू लेने जा रहे? अलीना ने बैलू को प्यार किया, अलीना ने भी रैंडम एक बैल खड़ा हुआ था रास्ते में उसको प्यार भी किया। वहाँ पे एक बंदा खड़ा था उसको अलीना ने ये भी बोला कितने का है, आउट ऑफ नो वेयर, इतना क्यूट सीन था। आई वांटेड टू रिकॉर्ड लेकिन वो इतना रैंडम था कि वो बस किधर जाना है, सारा खाली है लेकिन आई थिंक इतना होते हैं शॉपर वाले, ये जहाँ पे चारे वाले होंगे ना वहाँ पे शॉपर वाले भी होंगे। बैक होम 4:15 हो गए हैं, बिल्कुल अभी इतकान की कॉल आई है कि गोश्त फाइनली आ गया है। हमारे कसाई ने आज बहुत देर कर दिया, बस अब मैं नीचे जा रही हूँ और काम शाम शुरू करते हैं फिर तैयार होते हैं और बांटने चलते हैं। लेट्स गो। ओके जी, गोश्त ऑल डन, सारा जो मुस्तकीन वाला शेयर था वो भी बांट दिया, रिश्तेदारों के पैकेट्स बन गए, अपने हमारा ये गोश्त अभी धो दिया है और बस ये अभी सूख रहा है। मीनवाइल मेरी हालत आप चेक करें, मैंने इतकान ने इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ वाइंड अप करने की कोशिश की, आई थिंक वी मेड इट इन 1 आवर, 1 घंटे में हमने सब कुछ कर लिया, विच इज़ एन अचीवमेंट बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम जब हम दोनों ने अपनी फुल कुर्बानी खुद मैनेज की है, सो प्राउड ऑफ अस। अब बस चलते हैं और अब मैं जो है शावर लेती हूँ, तैयार होती हूँ फिर निकलते हैं। 7 बज रहे हैं एंड आई एम फाइनली रेडी अगेन। अभी इतकान ने अपने रिलेटिव्स को कॉल्स वगैरह करना शुरू की थी बिकॉज हम उनके घर जा रहे हैं अब गोश्त देने। पता चला कि इतकान की पूरी फैमिली G9 में इकट्ठी हुई है, मतलब सारे चाचे ताए फुफोस एवरीबडी इज देयर। तो हमने डिसाइड किया कि हम सबके शॉपर जो है इकट्ठे ही ले जाते हैं और फिर वहाँ सब कुछ ड्रॉप करते हैं, उसके बाद हम घर आएंगे और फिर हम मम्मा की चीज़ें, मम्मा का गोश्त लेके तो फिर मम्मा की तरफ चलेंगे। सब इतकान तैयार हो रहे हैं, मैं तैयार हो चुकी हूँ, निकलते हैं और आपको वहाँ पर मिलते हैं। निकल आया फाइनली, अभी बज रहे हैं 7:15 हो रहे हैं और हम लोग तैयार शायद हुए हैं। अभी फ्रिज में सारा गोश्त रखा है, अब रिश्तेदारों वाला गोश्त निकाला है, रिश्तेदारों और बस हम लोग G9 रिश्तेदार हम लोग G9 पहुंच गए हैं। अब यहाँ पे सब में गोश्त बांटते हैं तो इधर बैठते हैं फिर घर वापस जाते हैं, मम्मा वाला गोश्त लेते हैं और फिर मम्मा की तरफ चलते हैं। लेट्स गो। ओके जी, सारी फैमिली हमें एक साथ ही मिल गई थी तो हमें सबके घर नहीं जाना पड़ा, वो बल्कि अच्छा ही हो गया, टाइम बच गया, तो सबको गोश्त दिया तो इधर बैठे हैं बातचीत की है और अब बस हम निकल रहे हैं। इतकान मम्मा वाला गोश्त लिया है ऊपर से जाके, लोग वापस आ गए थे घर, घर से गोश्त लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं मम्मा की तरफ। हम पहुंच गए हैं I-8 वाले लेयर्स पे, यहाँ से अब जो है केक पकड़ते हैं और फिर आगे निकलते हैं। जी हम लोग आ गए हैं मम्मा की तरफ और सना से मिले। सना ईद मुबारक, आज नहीं आती। और ये सना की बिल्ली, खैर सना की नहीं है, सबकी यहाँ पे बिल्ली है, इससे भी ईद मिले।
बाहर जो है गर्मी में फोटो शूट कर रहे हैं हम सब का। खैर हमने बहुत देर फोटो शूट किया गर्मी में बाहर खड़े होके, अब हम अंदर जाते हैं। तो लेट्स गो। और मामा बेचारी जो है हमारे लिए अभी तक खाना बना रही है। 11 बज गए रात के। हाय, ईद मुबारक। मुबारक। आज हमारे मेन्यू में क्या है? बहुत कुछ है। क्या? ओके हमने खाना शाना खा लिया है और मैं भूख इतनी लगी थी, मम्मा ने इतनी सारी चीजें बनाई हुई थी, मुझे इतनी भूख लगी थी, मुझे वीडियो बनाना जो याद ही नहीं। सारे बस जाने के लिए तैयार है। मम्मा बहुत थक चुकी है, ये भी शायद बहुत थक चुकी है, मैं भी बहुत थक चुकी हूँ, इतकान भी बहुत थक चुकी है। बस अब हम लोग यहाँ से निकलने लगे और घर चलते हैं। हम लोग घर पहुँच गए थे और आके हम लोग इतने थके हुए थे कि बस मैंने व्लॉग व्लॉग नहीं किया, बस चेंज चेंज किया है, मेकअप रिमूव किया है और अब बस हम जो है ना सोने वाले हैं। ईद है तो हमने सोचा कि हम लोग काम शाम नहीं करने वाले हैं, बस अब सोएंगे और रेस्ट करेंगे और फिर कल देखते हैं कल का दिन क्या करेंगे। तो यहाँ पे मैं व्लॉग को एंड कर रही हूँ। सी यू गाइस टुमारो, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके बाय।